अभी जब से आप घर वापस आई हैं, कोई लिफ्ट ही नहीं। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? बस ऐसे ही। तुम तो मुझे ऐसे ताने दे रहे हो जैसे खुद घर होते हो। बात तो आपने ठीक कही, मुझे ताने नहीं देने चाहिए। ये डिपार्टमेंट तो मम्मी का है। गलत बात कर रहे हो, वो बड़ी है, ऐसे नहीं कहते। अच्छा ठीक है भाभी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। रुबला, तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, क्या कहना चाहते हो तुम? वो मुझे लगता है अरसलान आ गए, हम बाद में बात करें। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन भाभी आज बात करना बहुत जरूरी है, ठीक है? कैसा गुजरा तुम्हारा दिन? मेरा बहुत अच्छा। आप बताएं आपका कैसा गुजरा? बस बहुत बिजी है, आप पूरा दिन ऑफिस में काम काम काम। आज बहुत देर कर दिया आपने आने में, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। इसकी वजह से देर हो गई। ये क्या है? हमारे टिकट और पासपोर्ट, हम कल मलेशिया जा रहे हैं। जल्दी से पैकिंग स्टार्ट कर दो। लेकिन इतनी जल्दी? हाँ ना, इतनी मुश्किलों से तो ऑफिस से छुट्टियों की अप्रूवल ली है, और हमारे कौन से बच्चे हैं जो कहीं जाने की प्लानिंग करने से पहले सोचना पड़ेगा। ये जरूरी है कि हम हनीमून पे मलेशिया ही जाएं? ऑब्वियसली बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बहुत सारा वक्त अकेले गुजारना चाहता हूँ, सिर्फ तुम और मैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपकी मम्मी को हमारा मलेशिया जाना अच्छा लगेगा, क्योंकि उनका मूड बहुत उखड़ा सा रहता है मेरे। क्यों, मम्मी ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं कुछ कहा तो नहीं है, लेकिन मैं वैसे बात। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, ये टिकट और पासपोर्ट रखो, जल्दी से जाके पैकिंग स्टार्ट कर दो। मैं बस मम्मी और पापा को बता के आता हूँ। और सुनो, तुम्हें किसी के मूड की परवाह करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए सिर्फ मेरा मूड इंपॉर्टेंट होना चाहिए।